हेलो माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग दो से तीन टाइप की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। सेवन सीटर एमपीवीज, एसयूवीज या फिर एमयूवीज आप उनको बोल सकते हैं, और साथ ही में आने वाली अपकमिंग सेवन सीटर हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रही है, जो अगर आप लोग सेवन सीटर का प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आज की इस शानदार वीडियो के अंदर हम लोग जो है उन गाड़ी के, यानी कि उन सेवन सीटर गाड़ियों के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज के बारे में बात करेंगे, और कब तक वो गाड़ी लॉन्च होगी, आप लोग कब तक उन गाड़ियों का इंतज़ार कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप करोगे तो इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाएगी आप लोगों से। तो अभी से ही जो है ना, जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए, सेवन सीटर गाड़ियों और सेवन सीटर हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले गाड़ी आने वाली है वो टाटा मोटर्स की तरफ से रहने वाली है, टाटा सूमो। आप लोगों को पता ही है टाटा मोटर्स की सबसे ज़्यादा कमर्शियल हिट में से एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट टाटा की सूमो रही है हमेशा से। इस गाड़ी को अब दोबारा से रीलॉन्च की तैयारी करने जा रहा है टाटा मोटर्स, और नई टाटा सूमो के अंदर हमारे को क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो इस गाड़ी का जो डिज़ाइन एंगल है वो पूरी तरीके से चेंज रहने वाला है, यानी कि ये सफारी और हैरियर के प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी। तो आप लोगों को लुक्स वाइज ये कहीं ना कहीं हैरियर और सफारी जैसी ही फील कराएगी। अब इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज रहेगी उसके बारे में बता देते हैं, और कंपटीशन अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो इस गाड़ी का कंपटीशन जो है यहाँ पे महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ रह सकता है। और इस गाड़ी में जो है ना, आप लोग को LED DRS देखने को मिलेंगे, LED हेडलाइट्स देखने को मिलेंगे, फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे, कैमरा सेंसर्स वगैरह भी आप लोग को यहाँ पर ऑफर करा दिया जाएगा। और ये गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप लोगों को अट्रैक्टिव लुक्स के साथ आएगी, जिसका कंपटीशन जो है ना काफ़ी तगड़ा रहेगा यहाँ पे मार्केट में। अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इंजन आप लोगों को इसके अंदर दो टाइप के मिल जाएंगे 1.5 लीटर का TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 170 PS और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और जो दूसरा इंजन रहेगा वो 2.0 लीटर का मल्टी जेट डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 167 BHP और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये 6-speed के मैनुअल, ऑटोमेटिक और DCT गेयरबॉक्स के साथ यहाँ पे रहेगा। और माना जाता है कि आने वाले टाइम को देखते देखते यहाँ पे टाटा मोटर्स आपको 4x2 का ऑप्शन भी देगी, साथ में 4x4 का ऑप्शन भी आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब इसकी एक्सपेक्टेड कीमत के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इस गाड़ी की कीमत जो है ना 11 लाख रुपए से शुरू होके 17.5-18 लाख रुपए तक यहाँ पे जा सकती है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, और इंटीरियर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रीमियम फील होगा। यहाँ पे सफारी और हैरियर आप लोगों ने देख रखी है, तो ज़्यादा बोलने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो लॉन्च डेट इस गाड़ी का 2025 के आखिरी तक जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगी यहाँ मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट गाड़ी आने वाली है ह्यूंडई मोटर्स के तरफ से स्टार गेजर। ये गाड़ी भी जो है ना मार्केट किलर हो सकती है पूरे तरीके से। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोग को पता ही है, क्योंकि गाड़ी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को पहले ही नज़र में जो है ना किसी लोगों को पसंद भी आ सकती है और किसी को नहीं भी आ सकती है। और पसंद आने का रीज़न जो है ना इसके फ्रंट और बैक रियर लुक को है देखते हुए, जहाँ पर कनेक्टेड LED DRS हमारे को देखने को मिल रहा है, और क्वाड लाइटिंग सेटअप जैसा भी आप लोग को जो है ना यहाँ पे नया लुक के साथ हेडलाइट का सेटअप देख रहे होंगे। वहीं पे इसकी अगर एक्सपेक्टेड कीमत के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 15 से लेके 17 लाख रुपए के बीच में इस गाड़ी की प्राइस रेंज यहाँ पे हो सकती है। और डिज़ाइन वाइज इस गाड़ी के डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा एरोडाइनमिक्स दिए गए हुए, ताकि विंड ब्लास्ट कम हो और एवरेज आपको अच्छी मिले। और अगर स्पेस के मामले में यहाँ पे देखेंगे, तो गाड़ी आप लोगों को सेवन सीटर में उपलब्ध होने वाली है। तो यहाँ पे 5-seater के साथ ये गाड़ी नहीं आएगी, तो 7-seater के उसमें आप लोगों को जो है ये गाड़ी पूरा बेहतरीन एक पैकेज प्रोवाइड करवाएगी, जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी भी जो है ना दिक्कत नहीं आने वाली है बैठने में, सामान रखने में, किसी भी टाइप की कोई आप लोग को प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। वहीं पर इसके जो लुक्स है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर की तरफ में चले जाते हैं। एडास का सेफ्टी फीचर आप लोग को इस स्टार गेजर के अंदर देखने को मिलेगा, फ्रंट में पार्किंग कैमरा भी होगा और पीछे भी, वैसे तो 360 डिग्री कैमरा आप लोग को ऑफर किया जाएगा इसके अंदर,
और साथ ही में इस गाड़ी के अंदर जो इंजन आप लोगों को ऑफर किया जाएगा वो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा जो कि 130 bhp की पावर निकालेगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ होगा। प्रीमियम इंटीरियर के साथ ये गाड़ी आप लोगों को ऑफर हो जाएगी यहाँ पे। तो स्टारगेजर आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर से यहाँ पे बताइए। और इस गाड़ी का लॉन्च डेट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये गाड़ी आप लोगों को जो है ना फरवरी से मार्च के महीने में देखने को मिल सकती है यहाँ पे 2025 में। और अब नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रैंड विटारा आने वाली है 7 सीटर के साथ। तो कई लोगों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा मन है ग्रैंड विटारा लेने का और काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग पसंद करते हैं ग्रैंड विटारा को। पर इस गाड़ी के साथ जो है ना एक ही दिक्कत है, अगर ये 7 सीटर में होती तो लोगों ने धड़ल्ले से इस गाड़ी को लेना था। बट कंपनी जो है ना अब 7 सीटर में लॉन्च करने जा रही है तो आप लोगों की मांग पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी होने वाली है। सबसे पहले कीमत के बारे में बात करेंगे आगे जाने से तो 13 से लेकर 17 लाख रुपए की जो है ना इसकी कीमत यहाँ पे हो सकती है मार्केट में। और इंजन टाइप भी आप लोगों को दो इसमें देखने को मिलते हैं जो कि माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड रहने वाले हैं 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के साथ। यहाँ पे आप लोग को ECVT गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा, CVT गेयरबॉक्स भी मिल जाएगा, मैनुअल भी मिल जाएगा, DCT भी मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन आप लोगों के पास बहुत सारे हैं इस गाड़ी को लेकर अभी भी। और साथ ही में आप लोग को जो है ना यहाँ पे अपग्रेडेड फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ग्रैंड विटारा जो आप लोग को 5 सीटर के साथ आती है वो तो आप लोग को सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। उसके अलावा भी आप लोग को जो है ना थोड़े बहुत फीचर ऐड किए जाएंगे। ट्रिपल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल भी होगा, Level 2 का एडास होगा, पैनोरामिक सनरूफ होने वाला है और डायमेंशन इस गाड़ी के सबसे बड़ा मेजर चेंज होने वाला है 7 सीटर को लेकर। और टायर साइज भी यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। तो गाड़ी का लॉन्च डेट कब तक रहेगा तो ये गाड़ी आप लोग को 2025 में अवेलेबल करवा दी जाएगी। और यहाँ पे अब नेक्स्ट गाड़ी के बारे में आप लोग को बताऊँ तो किया मोटर्स के तरफ से आने वाली है टेल्यूराइड। ये टेल्यूराइड नाम ही इस गाड़ी का जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो किया मोटर्स पता नहीं क्या सोच समझ के गाड़ियों को डिज़ाइन करता है और कैसे गाड़ियों के नाम डिसाइड करता है। तो टेल्यूराइड भी जो है ना 7 सीटर वाली कार है। यहाँ पे लुक्स वाइज अगर हम लोग चेक करेंगे गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स लग रहे हैं गाड़ी के। और यहाँ पे किया का नया ग्रिल आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, एक नया लाइटिंग सेटअप होगा गाड़ी में। 3.8 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा आप लोगों को जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। अब ये जो 3.8 लीटर वाला जो यहाँ पे सिस्टम है इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि 3.8 लीटर के साथ ही आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके। हो सकता है 2.6 या 2.5 लीटर का आप लोगों को यहाँ पे इंजन दिया जाए, वो भी अभी जो है ना कंफर्म नहीं है। 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है, कनेक्टेड किया टेक मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स, ट्रिपल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल, 360° कैमरा, एडास भी मिल जाएगा। और साथ ही में जो है ना ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर दिया जा सकता है, मे बी ऐसा होना चाहिए। अब आप लोगों को जो है ना ये गाड़ी कब तक मिलेगी उससे पहले आप लोग को जो है ना इसकी कीमत के बारे में मैं बता देता हूँ। तो कीमत इस गाड़ी की जो है ना 15 लाख रुपए से शुरू होके ये गाड़ी 22-23 लाख रुपए तक जो है ना यहाँ पे चली जाएगी। लॉन्च डेट इस गाड़ी का जो है अगस्त या फिर सितंबर के महीने में हो सकती है 2025 में। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट गाड़ी जो आने वाली है वो रहने वाली है टाटा मोटर्स के तरफ से, टाटा की सफारी। और ये पेट्रोल के साथ आने वाली है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 7 सीटर के साथ ये आप लोग को अवेलेबल हो जाती है। बट मेन चीज़ वही है कि जब कोई गाड़ी के अंदर मेजर चेंज किए जाते हैं तो वो पूरी तरीके से फ्रेश गाड़ी ही मानी जाती है। यहाँ पे पेट्रोल वेरिएंट इस गाड़ी का आने वाला है सफारी का और लुक्स वाइज तो गाड़ी सेम ही रहेगी, थोड़े बहुत जो है चेंजेस आप लोग को यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। गाड़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी एग्रेसिव लुक्स के साथ यहाँ पे आती है। इंटीरियर बोलो चाहे एक्सटीरियर बोलो गाड़ी का बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा लग्जरी है। बाकी सफारी का आप लोग जानते हैं नाम ही काफ़ी है। दो इंजन्स आप लोग को इसमें मिल रहे हैं पेट्रोल में जो कि एक 1.5 लीटर का TGDI 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा और दूसरा इंजन आप लोग को 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन यहाँ पे रहेगा। 168 bhp और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। 6 स्पीड का आप लोग को मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 या 8 स्पीड का DCT गेयरबॉक्स दिया जाएगा। इल्यूमिनेटेड लोगो होगा यहाँ पे, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास का सेफ्टी फीचर है उसको और ज़्यादा जो एडवांस किया जाएगा। यहाँ पे बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर। और कीमत इस गाड़ी में आप लोगों को जो मिल जाएगी 22 लाख रुपए तक जो है ना आप लोग की कीमत इस गाड़ी के लिए जा सकती है। अब लॉन्च डेट भैया इसके बारे में हमारे को बताओ तो लॉन्च डेट अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो लॉन्च इस गाड़ी का फेस्टिव सीजन में आप लोग को ये गाड़ी लॉन्च होते हुए नज़र आ जाएगी।
चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं। टोयोटा मोटर्स की तरफ से आने वाली है फॉर्च्यूनर, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द सबसे ज़्यादा अवेटेड गाड़ी है अभी तक की, जो कि फॉर्च्यूनर का नया जनरेशन सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। किसी भी टाइप का कोई यहाँ पे अपग्रेड नहीं आया है लीजेंडर के बाद, तो अब जो है डायरेक्ट ही इसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है। अभी जो ये क्लिप्स आप लोग को सामने शो हो रहे होंगे, इस गाड़ी को अगर ऐसे ही देखा जाए तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉक्सी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मस्कुलर लुक्स के साथ ये गाड़ी हमारे को नज़र आ रही है। काफ़ी मेजर अपग्रेड दी हुई है गाड़ी के अंदर, काफ़ी शिकायतें थी जो वो सारी कंप्लीट कर दी है टोयोटा मोटर्स ने। प्लेटफॉर्म चेंज है गाड़ी का, 2.8 लीटर का अब आप लोग को टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो कि 201 ब्रेक हॉर्स पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आप लोग को पेट्रोल इंजन भी आप लोग को कंटिन्यू किया जाएगा 2.6 या 2.7 लीटर का, 164 ब्रेक हॉर्स पावर और 240 न्यूटन मीटर का जो है ना टॉर्क ये जनरेट करेगा। तो सेगमेंट में इस गाड़ी के अंदर 4x4 का ऑप्शन भी आप लोग को मिल जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अब यहाँ पे जो है ना आप लोग को हाइब्रिड का इंजन भी आप लोग को दिया जा सकता है, जो कि नेक्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे। कीमत गाड़ी की जो है ना 60 लाख रुपए तक को जो है ना क्रॉस कर सकती है, तो नो डाउट ये गाड़ी इतनी जानी ही थी। वैसे भी 360 डिग्री आप लोग को कैमरा मिल जाता है, पैनोरामिक आप लोग को जो है ना यहाँ पे सनरूफ भी दिया जा सकता है, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर आप लोग को पैनोरामिक मिलेगा या नॉर्मल सनरूफ मिलेगा। अरे सनरूफ आ जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस गाड़ी के अंदर। अब एडास का सेफ्टी फीचर भी आप लोग को इसके अंदर मिलेगा, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है टोयोटा की फॉर्च्यूनर के अंदर, जो कि वक्त के साथ साथ हम देखेंगे जब ये गाड़ी आएगी। कब आएगी ये गाड़ी? फेस्टिव सीजन में आप लोग को जो है ना ऑफर हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, मारुति सुजुकी की तरफ से XL6 का ही जो है ना एक बड़ा अपग्रेड वर्जन XL7 यहाँ पे आने वाला है, जो कि अब क्या ही बोले, XL6 देख रखी है ना आप लोगों ने, बस उसके अंदर एक रो ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि XL7 करने के लिए एक रिसीट आप लोग को बढ़ जाएगी इसमें और गाड़ी बन जाती है XL7। गाड़ी एज इट इज़ डिक्टो सेम ही आप लोग को मिलने वाली है, यहाँ पे बस थोड़े बहुत फीचर्स ऐड किए जाएंगे गाड़ी के अंदर, जैसे कि सेफ्टी के फ़ीचर्स भी होंगे ज़्यादा। और कीमत गाड़ी की जो है ना 15 से 16 लाख रुपए के बीच में आप लोग को ये मिल जाएगी, और प्रीमियम तो गाड़ी वैसे लगती है नो डाउट। और अगर इंजन के बारे में बात करें तो 1.5 लीटर का के सीरीज़ पेट्रोल इंजन दिया जाता है, 101 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ। मैनुअल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, लेवल 2 का एडास भी है, और इंटीरियर में आप लोग को जो है ना XL6 जैसा ही फील होगा इस गाड़ी के अंदर। जो चलिए कोई दिक्कत नहीं है अपने को, थोड़े बहुत अगर चेंज करके दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बिग स्क्रीन होगा, 360 डिग्री कैमरा होगा, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स। ऐसे में गाड़ी का लॉन्च डेट सभी जानना चाहते हैं, तो लॉन्च डेट इस गाड़ी का जो है जनवरी से फरवरी के महीने में आप लोगों को दिख सकती है, या फिर कोई भी रिलेटेड न्यूज़ आएगी उससे पहले तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करें, होंडा मोटर्स की तरफ से आने वाली है पायलट। ये गाड़ी जो है ना भाई पूरा सेगमेंट यहाँ पे तबाह कर सकता है, इतना दम ये गाड़ी रख सकती है, क्योंकि गाड़ी को अगर हम लोग जो है ना लुक्स वाइज देखते हैं या फिर अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना तगड़ा परफॉर्मेंस है गाड़ी का। और 8 स्पीड के ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर। और क्या क्या चीज़ें रहेगी उसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो 4x4 ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आएगी, और गाड़ी में जो है ना इतना बेहतरीन सस्पेंशन ट्यूनअप किए गए हैं कि आप लोग को बड़े से बड़ा गड्ढा भी जो है ना यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा फील नहीं करवाएगा, तो सोच सकते हैं आप लोग कितनी ज़बरदस्त बात है। तो होंडा मोटर्स को ये चीज़ पहले ही करने देनी चाहिए थी यार वैसे, ठीक है। अब लुक्स वाइज आप लोग को बात कर ली मैंने, अब इसके इंटीरियर को देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस आप लोग को लगने वाला है, नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट होगा इसके अंदर। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, सस्पेंशन जिस तरीके से ट्यून किए गए है, कंफर्ट आप लोग को उतनी ही अच्छी इसके अंदर मिलेगी। कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है गाड़ी की, 40 लाख रुपए तक क्रॉस हो सकती है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बात। और इंजन इस गाड़ी के अंदर जो है ना फिलहाल जो आप लोग को बता रहा हूँ वो इंडिया के अंदर नहीं आएगा, 3.8 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी में, जो कि 320 ब्रेक हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा अगर यही इंजन अगर इंडिया में आ जाए तो, मतलब मज़ा ही आ जाएगा अलग से। मैनुअल DCT गियर बॉक्स मिलता है, 3 आप लोग को बिग स्क्रीन भी होगा, एक नया आप लोग को हेड्सअप डिस्प्ले मिलेगा जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है,
वेंटिलेटेड सीट्स होगा, एडास का सेफ्टी फीचर भी है, और नो डाउट अगर आप लोग गाड़ी के बारे में बता सको मुझे कैसी लग रही है तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की। अगर नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं भाई, तो किया मोटर्स की तरफ से कार्निवाल का नया जनरेशन भी अब आप लोग को इंडिया में बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि कार्निवाल हमेशा से ही जो है ना एक तरीके से फ्लॉप प्रोडक्ट ही रहा है। अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस कुछ टाइम पहले जाए तो कार्निवाल अपने प्राइसिंग को लेके हमेशा से फ्लॉप हुई है। लुक्स, डिज़ाइन, फीचर्स पहले भी मिलते थे, अभी कार्निवाल के अंदर और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसमें काफ़ी मेजर अपग्रेड्स इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं, और लाइटिंग सेटअप पूरी तरीके से चेंज किया गया है। कीमत उतनी ही रख रहे हैं, तो क्या मतलब है इस गाड़ी को लेने का। 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन होगा, AMT होगा, IMT होगा, DCT होगा, और मून रूफ जैसा भी आप लोग को फीचर इस गाड़ी में दिया जाता है, यानी कि आगे और पीछे वाले बंदों के लिए अलग से सनरूफ होगा इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ साथ पीछे वाले रो के बंदों के लिए भी जो है ना अलग से ही यहाँ पे स्क्रीन दी गई हुई है इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। अब 360 डिग्री कैमरा होगा, वेंटिलेटेड सीट्स होंगे, और भी कई सारे ऐसे फीचर्स, जैसे कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक डोर्स मिल जाते हैं, पावर टेलगेट मिल जाता है, ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी के अंदर, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना यूज़ करे गए हैं, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्रीमियम फील होगा। तो गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना अभी फेस्टिव सीज़न में आप लोग को जो है ना ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। और अब जो है हम लोग यहाँ पे लास्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, 7 सीटर, जिसकी जो है किया मोटर्स के ही तरफ से मोहावे, और ये गाड़ी भी जो है बैक टू बैक किया मोटर्स जो है ना अपने जलवे बिखेरने के लिए तैयार है, और मोहावे उसमें से एक गाड़ी रह सकती है, जिसमें आप लोगों को लुक्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगने वाले हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ इस गाड़ी को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एक नया किया का आप लोगों को टाइगर नोज ग्रिल मिलता है, यहाँ पे 2.2 लीटर का डीजल इंजन। भाई कीमत कितनी होगी इस गाड़ी की, देखिए कीमत गाड़ी की 30 लाख रुपए तक जा सकती है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बनता है यार इतना तो कंपनियों के लिए भी ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है कोई भी गाड़ी लेने का। 8 स्पीड का DCT गियर बॉक्स होगा, सारे अप टू डेट फीचर्स होंगे, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होगा गाड़ी का, लॉन्च डेट भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये 2025 के अप्रैल या फिर मई के महीने में आप लोग को मिल जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपकमिंग 7 सीटर हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी अगर आप लोगों ने ले ली तो इसको अब जो है माइलेज भी चाहिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, और ट्रांसमिशन भी अलग चाहिए, तो हाइब्रिड गाड़ियाँ आप लोगों को जो है ना 7 सीटर में अवेलेबल हो जाएगी। तो कौन कौन सी वो गाड़ी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, यहाँ पे जो गाड़ी आने वाली है वो रहेगी आप लोगों के लिए किया मोटर्स के तरफ से कैरेंस। आप लोगों को बताइए 7 सीटर में ये गाड़ी ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में, इसके अंदर बहुत सारे अपग्रेड्स यहाँ पे किया मोटर्स करने वाली है, जैसे कि आप लोगों को इसके अंदर CNG वाला भी वेरिएंट मिल जाएगा, साथ ही में हाइब्रिड का ऑप्शन भी आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी भी ये लगती है। अब क्या क्या चेंजेस होंगे इस कैरेंस के अंदर, तो देखिए सबसे पहले तो ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, 1 लाख सेल्स इस गाड़ी की हो चुकी है, मे बी उससे कई ज़्यादा हो चुकी होगी अभी तक जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे। CNG भी अवेलेबल होगा, हाइब्रिड भी आप लोगों को मिलेगा, 1.5 लीटर का एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, 100 PS की पावर और 113 Nm के टॉर्क के साथ। यहाँ पे जो इसकी एवरेज होगी यानी कि माइलेज इस गाड़ी की जो है ना 22 से 24 KMPL सिटी में और 26 से 28 KMPL इसकी हाईवे में होगी। और साथ ही में यहाँ पे नया अपग्रेड्स यही होगा कि आप लोगों को इसके अंदर हाइब्रिड इंजन भी देखने को मिल जाएगा ठीक है। और इस गाड़ी का लॉन्च डेट 2025 में होगा, उससे पहले आप लोगों को एक अपडेटेड वाला वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा किया कैरेंस का। और कीमत गाड़ी की जो है ना 16 से 17 लाख रुपये तक भी यहाँ पर जा सकती है। तो आप बताइए आप लोगों को किया की कैरेंस कैसी लगती है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना अपनी राय। यहाँ पे जो नेक्स्ट गाड़ी आने वाली है भाई, वो ग्रैंड विटारा 7 सीटर के साथ आने वाली है, जो कि हमने अभी बात किया था। इस गाड़ी को जो है ना ये ऑलरेडी हाइब्रिड के साथ तो आती है, बट मेन बात ये है कि भाई 7 सीटर अब आप लोग को अवेलेबल होने वाली है। तो कंपनियों का जो है ना गेम यही होता है हमेशा से ठीक है, गाड़ियों को लेके या तो सीट बढ़ा दो, या तो फीचर बढ़ा दो, या तो फेसलिफ्ट ला दो, बस वो गाड़ी इनकी अलग से बन जाती है। तो ग्रैंड विटारा आप लोग को कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना, अगर आप लोग डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तो 13 से लेकर 17-18 लाख रुपए तक ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी हाइब्रिड 7 सीटर में।
इंजन वही दो सेम ही रहने वाले हैं हमेशा की तरह, ठीक है, एक माइल्ड और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। इसके अंदर 1.5 लीटर के बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा, ट्रिपल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल होगा, लेवल 2 का एडास होगा, पैनोरामिक सनरूफ होगा, जो कि आप लोगों को जो है ना मज़ा आ जाएगा। डायमेंशंस गाड़ी के चेंज होंगे, तो 7 लोग मेरे ख्याल से जो है ना कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो गाड़ी के शेप को देखते हुए। बाकी ग्रैंड विटारा है, देखेंगे आने वाले टाइम में कब तक आती है। ये गाड़ी आप लोगों को मार्च के महीने में देखने को मिल जाएगी 2025 में। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, टोयोटा मोटर्स के तरफ से फॉर्च्यूनर का नया जनरेशन आने वाला है। भाई आप लोगों को बताइए कि इसको किसी भी टाइप का कोई अपग्रेड अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे जो अपग्रेड मिलेगा वो नेक्स्ट जनरेशन का ही मिलने वाला है डायरेक्ट आप लोगों को, जिसके अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस नज़र आने वाले है। शिकायतें थी इस गाड़ी को लेकर, बहुत सारी शिकायतें थी कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, बट फिर भी जो है ना भाई बिकती काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से थी ये गाड़ी, आप लोगों को बताइए, और आज भी जो है ना उतने ही तगड़े तरीके से ये बिकती है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेजर अपग्रेड्स इस गाड़ी को दिए गए हैं। इसका प्लेटफॉर्म भी जो है ना IMV वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड के नाम से जाना जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को जो है ना हाइब्रिड इंजन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये भी, ठीक है। सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर आप लोगों को हाइब्रिड इंजन मिलेगा तो भाई कितनी माइलेज देगी ये गाड़ी, वो सोचने वाली बात होगी, ठीक है। और दो इंजन टाइप देखने को मिलेंगे इसके अंदर आप लोग को, वही एक तो आप लोग को टर्बो डीजल इंजन मिल जाएगा आप लोग को, वही वाला 2.8 लीटर का, जो कि 201 BHP की पावर निकालता है और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और जो दूसरा इंजन होगा चेंज करके दिया गया, वो आप लोग को शायद 1.5 या 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा हाइब्रिड के साथ, जो कि 164 BHP और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है ना कीमत इस गाड़ी की 60 लाख रुपए को जो है क्रॉस कर सकती है। अब आप लोग समझिए कि क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पे भाई। 360 डिग्री कैमरा होगा, पैनोरामिक सनरूफ होगा, ये भी अभी भी जो है ना पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं है कि पैनोरामिक सनरूफ होगा या नहीं होगा या फिर नॉर्मल सनरूफ होगा। सारी चीज़ें हम आप लोगों को जो है ना टाइम टू टाइम अपग्रेड देते रहेंगे, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रखो अभी के अभी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। और गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना इस फॉर्च्यूनर का, तो फेस्टिव सीजन में देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे आखिरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं अपनी हाइब्रिड लिस्ट में, जो कि आने वाली है महिंद्रा मोटर्स की तरफ से XUV500 का नया जनरेशन, वो भी हाइब्रिड में। आप लोगों को पहले बता दूं कमेंट करने से पहले, ये जो XUV500 होगी इसका जो है ना नामकरण ज़रूर से यहाँ पर चेंज हो सकता है मे बी, ठीक है। और चेंज क्यों होगा, क्योंकि XUV500 डिसकंटिन्यू कर दी गई थी और XUV700 को लॉन्च कर दिया गया था, वहीं पे अब जो है ना 500 का नाम कुछ और रखेंगे, प्लेटफॉर्म जो है ना 700 से ही लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है 500 को हमेशा की तरह वही वाला सीन किया जाएगा, इसको अपग्रेड दे देंगे या फिर डायमेंशंस इस गाड़ी के चेंज हो जाएंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इंजन आपको 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 130 BHP की पावर निकालेगा, और 12 से लेके 20 लाख रुपए की कीमत में ये गाड़ी आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ पे एडवांस लेवल के फीचर्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाएंगे इस गाड़ी के अंदर, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स होगा, पैनोरामिक सनरूफ दिया जाएगा, जो कि पहले आप लोग को इलेक्ट्रिक सनरूफ ही मिलता था 500 के अंदर, एम्बियंट लाइट होगा, एडास दिया जाएगा लेवल 2 का, और सेफ्टी के फीचर्स बढ़ा दिए जाएंगे, और इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम आप लोग को जो है ना यहाँ पर दिया जाएगा, डुअल जोन के साथ ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाएगा। और इस गाड़ी का लॉन्च डेट अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये गाड़ी 2025 तक कभी भी आ सकती है, या फिर आप लोग लास्ट तक ही इसका जो है ना अनुमान लगाइए, तब तक ये गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी। तो भाई लोग, ये वो गाड़ियां थी 7-सीटर के साथ और 7-सीटर हाइब्रिड के साथ। अब आप लोग बताइए आप लोगों को जो ना इस लिस्ट में कौन सी गाड़ियां ज़्यादा पसंद आई, आप लोग कौन सी गाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोग जो है ना मुझसे शेयर कर सकते हैं। और यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर देना इस वीडियो को अगर नहीं किया है तो जाते जाते, और सब्सक्राइब भी कर दो यार, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके आप लोग टारगेट पूरा करिए 10,000 सब्सक्राइबर फैमिली पूरी करने में, जल्दी जल्दी जोर लगाइए, जितनी ज़्यादा कम्युनिटी बड़ी होगी उतना ज़्यादा जो है ना डिमांड्स हम आपके फुलफिल करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।